लक्ष्मी के कटोरे की दाल गिर गई करिश्मा बुआ के ऊपर और नीलम लाइटर निकाल कर डराएगी लक्ष्मी को। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी नाश्ते खाना खाने के टेबल पर दाल पीने की कोशिश करेगी तभी गलती से लक्ष्मी के हाथ से कटोरी छूट जाएगी और टेबल पर कटोरी उछल जाएगी जिसकी वजह से कटोरी से निकली हुई दाल सीधे करिश्मा बुआ के ऊपर लग जाएगी और आयुष के मुंह से तभी हंसी निकल जाएगी जहां पर करिश्मा बुआ को काफी बड़ा शॉक लगेगा और काफी गुस्से से करिश्मा बुआ लक्ष्मी पर गुस्सा होकर खड़ी होकर कहेगी कि लक्ष्मी ये तुमने क्या कर दिया, मेरा पूरा आउटफिट खराब कर दिया। ये सुनकर लक्ष्मी डर जाएगी और तभी करिश्मा बुआ कुछ भी बोले बिना अपना आउटफिट चेंज करने के लिए चली जाएगी और तभी नीलम गुस्से से लक्ष्मी को डराने के लिए अपने साड़ी में से लाइटर निकालेगी और अपना हाथ टेबल में रख कर किसी को भी पता ना चले ऐसे नीलम लाइटर जलाएगी जिसे देख कर लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगेगा। लेकिन टेबल पर ऋषि के लक्ष्मी को तभी पकड़ने की वजह से लक्ष्मी ज्यादा नहीं डरेगी और लेकिन तभी करिश्मा बुआ अपने आउटफिट यानी कि कपड़े चेंज करके आएगी और लक्ष्मी ऋषि के साथ सीढ़ी पर बैठी होगी। तभी करिश्मा बुआ को सीढ़ियों से आते हुए देख लक्ष्मी खड़ी हो जाएगी जहाँ पर जब करिश्मा बुआ पूरी तरह से सीढ़ी के नीचे उतर जाएगी तभी गुस्से से करिश्मा बुआ अचानक से लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेगी और लक्ष्मी को जोर से थप्पड़ मार देगी। लेकिन तभी करिश्मा बुआ का हाथ और कोई नहीं बल्कि मलिष्का पकड़ लेगी और दिवाली पर धमाका करने के लिए मलिष्का लक्ष्मी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए करिश्मा बुआ को कहेगी कि करिश्मा बुआ अब सब हो गया ना, आपने कपड़े चेंज कर लिए ना, तो अब आप लक्ष्मी को क्यों मारी है, वो तो बच्ची है, आपको अच्छे से पता है कि लक्ष्मी का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो अपने आप को बच्ची समझ रही है, इसलिए एक बच्ची समझकर लक्ष्मी को माफ कर दीजिए। यह सुनकर करिश्मा बुआ कुछ भी बोले बिना लक्ष्मी के सामने से चली जाएगी और लेकिन करिश्मा बुआ के लक्ष्मी को कुछ भी ना करने की वजह से नीलम को लक्ष्मी को परेशान किए बिना हजम नहीं होगा, इसलिए नीलम तभी लक्ष्मी के आगे आकर अचानक से लक्ष्मी के सामने लाइटर जला देगी जिसे देखकर तभी लक्ष्मी अकेली खड़ी होने की वजह से लाइटर की आग को देखकर भागने लगेगी और आग आग चिल्लाकर पूरे घर में दौड़ेगी जिसे देखकर नीलम करिश्मा बुआ सारे हंसने लगेंगे और शालू ऋषि वीरेंद्र बानी को काफी बड़ा शॉक लगेगा जहाँ पर ऋषि बहुत मुश्किल से लक्ष्मी को संभालेगा और लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी कुछ नहीं है, वो बस लाइटर की एक छोटी सी आग थी, उससे डरना कैसा, तुम अभी डरोगी तो दिवाली कैसे मनाओगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ लक्ष्मी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं कुछ होने नहीं दूंगा और ना ही किसी को कुछ करने दूंगा। यह सुनकर तभी लक्ष्मी ऋषि को गले लगाकर अपना चेहरा छुपा लेगी जिसे देखकर आयुष शालू पानी से रहा नहीं जाएगा जिस वजह से शालू नीलम को कहेगी कि नीलम आंटी अब बस आपका बहुत हो गया, आपको अच्छे से पता है कि लक्ष्मी दी छोटी सी आग से भी कितना डरती है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, लाइटर को लक्ष्मी दी के सामने क्यों जलाया। तभी नीलम अनजान बनती हुई कहेगी कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या पता था कि लक्ष्मी इतनी छोटी सी आग से डर जाएगी, मैंने तो लाइटर बस ऐसे ही निकाला था। जिसे सुनकर घर की सबसे बड़ी दादी आगे आती हुई नीलम को कहेगी कि नीलम तेरा अब यह नाटक ज्यादा नहीं हो रहा क्या, तेरे अंदर लक्ष्मी के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है, उसकी बेचारी की हालत तो देख, वो पहले वाली लक्ष्मी नहीं रही, लक्ष्मी पूरी तरह से पागल हो गई है और तू है कि जानबूझकर लक्ष्मी को डरा रही है। यह सुनकर तभी नीलम कहेगी नहीं माँ मैं लक्ष्मी को क्यों डराऊंगी। तभी ऋषि कहेगा बस मॉम अब बहुत हो गया, अब आइंदा से लक्ष्मी के साथ किसी ने कुछ भी किया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा हमेशा के लिए, तुम लोगों की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि को ऐसे घर से लक्ष्मी को लेकर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को अलग रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।